मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हैं SMH बजाज शोरूम पर। यहां पर चल रही है दिसंबर एंड्स के बहुत सारे ऑफर्स जो आपको बाइक खरीदने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप इटारसी होशंगाबाद के पास में रहते हैं तो एक बार इस शोरूम पर विजिट करें और इन सारे ऑफर्स के लाभ पाएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास बजाज पल्सर NS160। इसके लुक्स के बारे में बात किया जाए तो इसका अगर आप लुक देखोगे सेम NS200 की तरह ही है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट लुक, रेयर लुक, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, बाइक हाइट सब सेम ही है, इन सब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो यहीं अगर बात करें इसकी कॉम्पिटिटर बाइक की तो वो है होंडा CB हॉर्नेट और TVS अपाची RTR 164V। लेकिन जिस बाइक का लुक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है वो है होंडा CB हॉर्नेट। लेकिन अगर आपको एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, माइलेज बाइक चाहिए, तो पल्सर NS160 एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, इसमें आपको इंजन काउल भी मिलता है जो आपकी बाइक को एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। इसलिए दोस्तों, यही एक वजह थी कि कंपनी ने पल्सर AS150 को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यूड करा था, ताकि वो पल्सर NS160 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करे। और NS160 अब तक की बेस्ट सेलिंग नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और लोग इस बाइक को सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फ्रंट लुक के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं मिलती क्योंकि ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। और नीचे में आपको दो कैप्टन लाइट्स मिलती है जो आपकी बाइक को नाइट में बहुत ही शानदार लुक देती है। और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें आप बल्ब इंडिकेटर ही लगवा सकते हैं। आप अपने पसंद से LED इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं और भी तरीके के आप इंडिकेटर्स में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 160.3 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व्स SOHC DTSI ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 15.5 PS at 8500 RPM का पावर और 14.6 न्यूटन मीटर at 6500 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। और जैसा कि आप इसके इंजन काउल को देख सकते हैं जो बाइक को बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विद एंटी फ्रिक्शन। और फ्रंट व्हील्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 80x100 का टायर साइज मिलता है। इसमें आपको जो व्हील साइज मिलता है वो 17 इंचेस का मिलता है विद ट्यूबलेस टायर। इसमें आपको जो डिस्क का साइज मिलता है वो आपको मिलता है 240mm का। रियर सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है और इसमें आपको 110x80 का टायर साइज मिलता है। और इसमें आपको सेम 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है विद ट्यूबलेस टायर। और इसमें आपको जो डिस्क साइज मिलता है वो आपको 130mm का मिलता है। सीट के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। जो पिलियन सीट और जो राइडर सीट है उनकी जो कुशनिंग वो भी काफ़ी अच्छी है और दो लोग बैठ के आप इसको आराम से कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। और अगर आप थर्ड पर्सन को बैठ के इसको राइड करोगे तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और आप अच्छे से राइड भी नहीं कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो सेम NS200 की तरह इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का ऑप्शन मिलता है। उसमें आपको सारे बेसिक से सिम्बल्स मिल जाते हैं, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी, लो इंजन ऑयल, इसमें आपको सब बता देते हैं। न्यूट्रल स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो सारे बेसिक स्विचेस में आपको मिलते हैं और सारे स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इन सारे स्विचेस के ऊपर और नीचे में आपको ब्लू कलर की लाइट्स मिलती हैं जो नाइट में इसको विजिबल कराती हैं। और इसमें आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है जिससे आप अपनी बाइक को डायरेक्टली वहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और किक का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ अगर आपके सेल्फ की बैटरी लो हो जाती है तो आप वहाँ उसको किक से भी ऑन कर सकते हैं। और इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स जो मिलते हैं आपको 5 मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू NS160 तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।